कुल्लू जिला में आपदा के 2 माह बाद सब्जी मंडियों में कारोबार ने रफ्तार पकड़ी है। ऐसे में सभी सब्जी मंडियों में ग्रामीण क्षेत्र से किसानों बागवानों की विभिन्न तरह के उत्पाद भारी मात्रा में पहुंच रहे हैं, जिससे सब्जी मंडियों की रौनक लौटी है। देश भर के राज्यों से व्यापारी मंडियों में पहुंचकर बाहरी राज्यों को उत्पाद ले जा रहे हैं। कुल्लू जिला में भारी बारिश से सेब और सब्जियों की फसल खराब हुई है, जिससे सेब के रंग में क्वालिटी कम होने से बागवानों को अच्छे दाम नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में G20 सम्मेलन के चलते दिल्ली की सभी सब्जी मंडियां बंद होने के कारण भी डिमांड कम होने से सेब के दामों में गिरावट हुई है। वहीं हरियाणा के व्यापारी हरभगवान ने कहा कि भुंतर सब्जी मंडी में अनार की फसल बड़ी तादाद में आ रही है। उन्होंने कहा कि 50 से लेकर 70 किलो तक अनार बिक रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार अनार की फसल बहुत कम है, ऐसे में अच्छे दाम बागवानों को मिलेंगे। वहीं स्थानीय बागवानों का कहना है कि आपदा के बाद एक बार फिर भुंतर सब्जी मंडी में कारोबार की शुरुआत हुई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में सेब टमाटर गोभी अनार की फसल पहुंच रही है। भुंतर सब्जी मंडी की स्थिति जो है, जहां तक सेब का प्रश्न है, वो 8 रुपए से लेकर 60-65 तक बिका, और जहां तक टमाटर का प्रश्न है वो 5 रुपए से 20 रुपए तक बिका। हरा मटर जो है 40 से लेकर 70 तक बिका, और फूल गोभी जो है 15 से लेकर 25 रुपए तक बिकी। धीरे धीरे रफ्तार तो पकड़ी है, लेकिन इस बार मंडी में जो फसल वो कम है, इसलिए जो जब बाढ़ आई थी तो उसमें काफ़ी सब्जियों का नुकसान भी हुआ और फ्रूट का भी नुकसान हुआ। इसलिए जो है जितना इस मार्केट में माल आता है, भुंतर मार्केट में मार्केट यार्ड जो है वो प्रिंसिपल मार्केट यार्ड है, लेकिन जितना माल आना चाहिए था उतना तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो है मतलब आर्थिक कोशिश कर रहे हैं कि उसको उचित मिले, किसान को मिले, ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। इस बार जो है अनार की जो फसल वो कम है, लेकिन रेट मिलने के आसार बहुत ज़्यादा हैं। जो जहाँ तक सीडलेस का सवाल है, वो 100 से लेकर 180 तक बिका है, और जो 40 से लेकर 70 रुपए तक जो है गंधारी बिका है। शुरुआत हुई है जब आपदा के बाद, एक बार अच्छी शुरुआत हुई है। सेब का भाव भी ठीक चला है, 50-60-70 तक, उसके नीचे छोड़ा और भी थोड़ा कलरलेस कम कीमत है, बाकी अच्छे सेब की कीमत ठीक है। आज अनार ने दस्तक भी दी है, दस्तक तो 2-4 दिन पहले दिया था। अनार के भाव बड़े अच्छे हैं, 150 रुपए तक मृदुला बिका है, और इसके बाद शायद अनार और भी आएंगे ऐसा सुना जाता है। मेरे पास अनार का बगीचा नहीं है कि भाई अनार कम है, परंतु सेब के लिए भी हमने बड़ी कोशिश की, सरकार ने कोशिश की भाई किसी ढंग से वो आपदा से बचाने के लिए, किसानों को बचाने के लिए कोई सड़क वगैरह का इंतजाम करे। बिल्कुल ठीक हुआ है, सड़कें ठीक हुई हैं, और लोग इस आपदा की घड़ी में भी बड़े उत्साहपूर्वक अपने सेब को, अपने उत्पाद को बेच रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये मार्केट आखिर तक ठीक ही रहेगी, बहुत कम नहीं होगी, परंतु एक अफसोस की बात है कि जो करल रस है इसकी कोई कीमत नहीं है। देखो इस टाइम लोकल सब्जी मंडी में जो आ रहा है सेब आ रहा है, सेब मेन आइटम है जो इस टाइम आ रहा है इधर का लोकल, और लाहौल से गोभी और मटर आ रहा है। तो क्या रेट के चल रहा है? देखो जो सेब है, सेब की क्वालिटी बारिशिंग ज़्यादा होने के कारण खराब हो गई है, और जो अच्छा सेब है वो 65-70 रुपए बिक रहा है, और हल्के सेब के अपने अपनी जगह से रेट है जो भी है। गोभी की बात करें, गोभी आज थोड़ी ठीक बिकी है, गोभी के रेट समझ लो 25 रुपए से लेकर 30 रुपए तक है, और मटर जो है, मटर आज जो है 60 रुपए से लेकर 80-82 रुपए तक बिका है। क्या है? अनार में बहुत तेजी रहेगी, फसल पिछले साल से काफ़ी कम है, जो अच्छे माल आएंगे उनमें बड़ा करंट रहेगा, मंदे की कोई संभावना नहीं है अनार में। आजकल जो आज के दिन की, मैं इस हफ्ते की बात करूं, अभी सेब जो है बिल्कुल बिल्कुल मंदी के दौर से गुजर रहा है। थोड़ा इम्पैक्ट तो हमारी आज़ादपुर दिल्ली की सारी मंडियाँ बंद पड़ी है, जितनी फ्रूट मंडियाँ बंद पड़ी है। दिल्ली में जो G20 का जो सम्मेलन चल रहा है, आधी मार्केट बंद होने से सेब की मार्केटिंग नहीं हो पा रही है, और डिमांड भी बहुत कम है। दूसरा कश्मीर का सेब भी चल पड़ा है, कश्मीर के सेब के आने से मार्केट में थोड़ा मंदी की मार पड़ रही है, किसानों को झेलनी पड़ रही है। कुल्लू में ज़्यादा बरसात होने के बाद सेब में उतना कलर भी नहीं आया, ना साइज़ बन पाया, जो टेम्परेचर सेब को चाहिए था वो नहीं बन पाया, इसलिए थोड़ा सेब भी थोड़ा कलर लेस आ रहा है, कलर नहीं है, ये भी एक कारण है। दूसरा सेब का साइज़ नहीं बन पाया इस बार, जो क्वालिटी सेब की आती थी वो मार्केट में नहीं आ रही है।